डेटा की रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन के लिए जो मेन पैकेजेस हैं वो बेसिकली आपका शाइनी है और मार्कडाउन है। ये दो पैकेजेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। शाइनी एक एक किस्म का डैशबोर्ड बना के आपको देते हैं, जैसे एक्सेल में या बाकी जगहों पे डैशबोर्ड बन जाते हैं वैसा। आर मार्कडाउन एक लैंग्वेज है जो आपको एक अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनाने में हेल्प आउट करती है। सो मैं स्क्रीन आपके सामने दोबारा से, बल्कि आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे हम जाते हैं जी सिक्स पैकेज फॉर रिपोर्टिंग, और इसके अंदर मैं पहला रखूंगा आर मार्कडाउन। ये बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसे आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं और यूज भी। दूसरी है शाइनी एप्स। शाइनी शाइनी क्या होता है, ये बेसिकली आपको एक डैशबोर्ड बना के देता है। मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। ये है जी शाइनी, इजी वेब एप्स आप इससे बना सकते हैं, और आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना इंटरफेस बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये इंटरफेस बना हुआ है ना, आप इस तरीके से इंटरफेस बनाएंगे और इट्स वेरी इजी कि आप सिर्फ क्लिक करेंगे वहां पे प्लॉट पे इफेक्ट आ जाएगा डायरेक्ट। सो इंटरैक्टिव विद द पावर ऑफ डैशबोर्ड, और ये फ्री में आप कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर भी, एंड देन यू कैन पब्लिश दैट एज वेल यूजिंग शाइनी। आर मार्कडाउन क्या करता है बेसिकली, मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाता हूँ। आर मार्कडाउन ये आपको कुछ रिपोर्ट्स बना के देता है, समथिंग लाइक दिस। आप इस तरीके से रिपोर्ट्स बना सकते हैं जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, जैसे आप प्लॉटिंग कर रहे हैं और बाकी चीजों को लिख रहे हैं, तो रिपोर्टिंग के लिए आप इस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एंड देर आर मेनी अदर पैकेजेस जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम यूज करेंगे, एंड आई विल लेट यू नो अबाउट दोज पैकेजेस एज वेल। अब ये हो गए रिपोर्टिंग के लिए। एक पैकेजेस का सेट बचा है अभी जो हमारा बहुत जरूरी है, वो आपको भी पता कौन सा है, उसके बारे में हम अब बात करें।